समाजवादी पार्टी से तलाकनामा आ चुका है, क्या करेंगे? हमने कबूल कर लिया है, समाजवादी पार्टी सिर्फ बीजेपी का नाम लेना बंद कर दे तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी में आपको कमियां क्या दिखी? वहाँ सिर्फ आप झंडा लीजिए, नारा लगाइए, वही सही है, आप हिस्सेदारी की बात मत करिए। जो उगता सूरज की बात की है तो बीजेपी है, आपको बीजेपी का दामन थामना चाहिए, आप बीएसपी की तरफ क्यों जा रहे हैं? सपा की भाषा बोल रहे हैं। हम सपा की भाषा कैसे बोल रहे हैं, तो कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं सपा हमेशा बीजेपी बीजेपी कर। आपको बता दें कि आज हमारे साथ वो हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हां, सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। सर, समाजवादी पार्टी से तलाकनामा आ चुका है, क्या करेंगे? हमने कबूल कर लिया है, लेकिन बीजेपी ने इस पर अंकुश लगा रखा, 3 तलाक पे। नहीं देखिए, बीजेपी समाजवादी पार्टी सिर्फ बीजेपी का नाम लेना बंद कर दे तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। जी। समाजवादी पार्टी के नजदीक जाके मैंने देखा, अति पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बात ना करे, सिर्फ वोट की बात करे जी, तो वहाँ बेहतर है। हिस्सेदारी की बात करेंगे तो आप बुरे हैं। समाजवादी पार्टी के इतना करीब रहे आप, समाजवादी पार्टी में आपको कमियां क्या दिखी? सर, वहाँ सिर्फ आप झंडा लीजिए, नारा लगाइए, वही सही है, आप हिस्सेदारी की बात मत करिए। 58 सीटों का पहले चरण का चुनाव यूपी में हुआ, पश्चिम में। उन 58 सीटों में बड़ी संख्या में कश्यप, सैनी, साक, माली, पाल, प्रजापति, नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार, आरक, बंसी, बंजारा, बहिया, कंघार जी। लेकिन इन जातियों को हिस्सेदारी देने के लिए जब मैंने दबाव बनाया तो कहा दूसरे चरण में देंगे, फिर 55 चरण का चुनाव हुआ, फिर उन्होंने नहीं दिया, तीसरे के चरण का हुआ नहीं दिया, उसी दिन मैंने कह दिया कि अब सरकार नहीं बनेगी। अब आप जब इनको हिस्सेदारी नहीं दे रहे हो तो ये वोट क्यों देंगे भाई आपको? जी 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 जी, 24 का चुनाव आप किसके साथ लड़ेंगे? बहुजन समाज पार्टी। सोच लिया बात हुआ एकदम भाई होगी। वाई श्रेणी की आपको सिक्योरिटी दी गई है, किसको थैंक यू बोलेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, योगी जी को। सर, आपको आप बीएसपी की इस समय बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जो उगता सूरज की बात की जाए तो बीजेपी है, आपको बीजेपी का दामन थामना चाहिए, आप बीएसपी की तरफ क्यों जा रहे हैं? सपा की भाषा बोल रहे हैं। हम सपा की भाषा कैसे बोल रहे हैं, तो कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं सपा हमेशा बीजेपी बीजेपी करते हैं। अच्छा, तो कोई बीजेपी को सवाल करे वो भी सपा ही हो जाता है? तो बीजेपी देखना, चिट्ठी पढ़ी है उनका, उसमें बीजेपी ने दिख रही है। अच्छा, कहते हैं अखिलेश जी को, मगर एसी से आप बाहर नहीं निकाल पाए, प्रयास किए नहीं निकले, स्वागत है रहे अंदर। राजभर जी थे जो कि ऐलान किए हैं, बता रहे हैं कि 2024 का चुनाव हम मायावती जी के साथ लड़ेंगे। खैर, बात में कितनी सच्चाई है और आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी 2024 के चुनाव में जो निर्णय लिया है क्या सफल हो पाएंगे, अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ, बने हमारे साथ, देखते रहे भारत एक शोर, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनुज यादव मौजूद है। We'll be right back.